इज कार्डियक डिजीज इन प्रेगनेंसी। आज हम देखेंगे कि जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर कार्डियक डिजीज हो तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी पे। तो जनरली क्या होता है कि जो कार्डियक जो प्रेगनेंसी में हार्ट और ब्लड वेसल्स पे चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उन चेंजेस के कारण क्या होता है कि बॉडी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है और उस स्ट्रेस के कारण हार्ट का वर्कलोड भी बढ़ जाता है और उस वर्कलोड के कारण जो हार्ट है उसको काफ़ी उस समय बहुत स्ट्रेस होता है ब्लड पंप करने के लिए। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन की सिचुएशन हो जाती है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो क्या होता है जो प्रेग्नेंट, तो कौन कौन सी कंडीशन होती है ऐसी जिसमें ये देखने को मिलता है, जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडी जिसके अंदर कार्डियक डिजीज है उसके अंदर अगर ब्लड प्लाज्मा लेवल बढ़ जाए या फिर हार्ट रेट बढ़ जाए या ब्लड का जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाए, तो उस वजह से क्या होता है कि जो वो उस सिचुएशन के साथ कोप नहीं कर पाती है अगर उसमें पहले से कार्डियक डिजीज प्रेजेंट है तो। ठीक है, तो नॉर्मली कौन कौन सी होती है ये सिचुएशन, जैसे कि ब्लड का प्लाज्मा लेवल बढ़ना, एक तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होना। नॉर्मली क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान 30-50% कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है और हार्ट रेट और प्लाज्मा वॉल्यूम होता है 40-45% एंड रेड सेल जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ती है इसमें 15-20%। ठीक है, और इसके साथ साथ में और क्या होता है कि जो ब्लड वॉल्यूम सडन इंक्रीज होता है ड्यूरिंग लेबर, मतलब क्यों होता है जब लेबर के दौरान फीटस तो एक्सपल आउट हो गया, मीन्स फीटस की तो डिलीवरी करवा दी, उसके बाद में जो ब्लड यूट्रस की तरफ आ रहा था वो हार्ट की तरफ जाने लग जाएगा, ज़्यादा सप्लाई होगी उस वजह से तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या कॉज हो सकते हैं, और जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीटस ने वेना कावा पे जो प्रेशर डाल रखा था तो डिलीवरी के बाद में वो प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा, तो उस वजह से भी वर्कलोड बढ़ जाता है हार्ट का। तो इन सब चेंजेस के कारण क्या है कि मदर की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ब्लड का वॉल्यूम मैक्सिमम जो बढ़ता है, इंक्रीज होता है ब्लड का वॉल्यूम, वो जो लास्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट वीक में जनरली वो देखा जाता है इंक्रीज। ठीक है, और जो कार्डियक फेलियर की जो कंडीशन है वो 30 वीक के आसपास मानी गई है कि 30 वीक के आसपास में कार्डियक फेलियर की कंडीशन हो सकती है। और मोस्ट कॉमनली कौन कौन से डिजीज़ होते हैं जो कार्डियक डिजीज, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो कार्डियक डिजीज हो सकती है, जो और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो होती हैं जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर मिट्रल स्टेनोसिस, ये सब ज़्यादा कोज करती हैं कॉम्प्लिकेशन को। और कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं कार्डियक फेलियर के लिए, तो वो फैक्टर देखते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मदर की एडवांस एज हो, ठीक है, या फिर कार्डियक अरिथमिया की कंडीशन हो पेशेंट में, या फिर जैसे हार्ट का एबनॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन होना, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाए, या फिर अदर हाई रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कि इन्फेक्शन होना या फिर एनीमिया की कंडीशन या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी या फिर हाइपरटेंशन या फिर एक्सेसिव वेट गेन। और अगला कौन सा हो सकता है, इनएडिक्वेट सुपरविज़न, तो इनएडिक्वेट सुपरविज़न के कारण भी कार्डियक फेलियर हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमने टाइम से उसको सुपरवाइज नहीं किया, तो उस वजह से और भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती हैं और कार्डियक फेलियर तक पेशेंट पहुंच सकती है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि मैटरनल जो रिस्क ग्रुप है, मैटरनल कार्डियक डिजीज़ के रिस्क ग्रुप बनाए गए हैं, 3 रिस्क ग्रुप हैं,
वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। ग्रुप फर्स्ट होता है जिसमें ग्रुप फर्स्ट में मोर्टलिटी जो है पेशेंट की मोर्टलिटी रेट 1% होती है इसमें। तो इस ग्रुप में कौन कौन सी डिजीज को इंक्लूड किया गया है, वो है टेट्रोलॉजी ऑफ एलेट या पल्मोनरी या ट्राइकस्पिड डिजीज या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस या फिर पेटेंट डक्टर आर्टियोसिस या फिर आर्टियर सेप्टल डिफेक्ट। और अब है ग्रुप सेकेंड। तो सेकेंड ग्रुप में कौन कौन सी डिजीज होती है इंक्लूड, वो मिट्रल स्टेनोसिस विद एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर आर्टिफिशियल हार्ट वॉल या अनकरेक्टेड टेट्रोलॉजी ऑफ एलेट या फिर मिट्रल स्टेनोसिस क्लास थर्ड एंड फोर्थ, ये कंडीशन होती है ग्रुप सेकेंड में। और अब ग्रुप थर्ड की बात करें तो इसमें मोर्टलिटी रेट 25-15% होती है। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम क्या होता है, जो बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू हैं वो अफेक्ट होते हैं मार्फन सिंड्रोम में। और कौन सी होती है, कार्डियो मायोपैथी, हार्ट के मसल्स वीक हो जाना या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ये ग्रुप थर्ड में इनको इंक्लूड किया गया है। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। तो जो ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन बताए गए हैं वो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने बताए हैं। न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने ये क्लासिफिकेशन बताए हैं हार्ट के फंक्शनल क्लास। इसमें क्लास फर्स्ट है, ये फोर्थ है, क्लास फोर्थ तक ये बताए गए। इसमें क्लास फर्स्ट है उसमें उसमें क्या होता है कि अनकॉम्प्रोमाइज, मतलब इसमें पेशेंट अनकॉम्प्रोमाइज होती है। इसमें पेशेंट की कोई भी एक्टिविटी मतलब ज़्यादा लिमिटेड नहीं होती है, ठीक है। और उसमें कार्डिक सिम्टम्स भी ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। और क्लास सेकंड में क्या होता है, स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज्ड है पेशेंट एक्टिविटी। इसमें पेशेंट की एक्टिविटी थोड़ी स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और जब मतलब उसकी कुछ थोड़ा बहुत भी वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसमें वो थकान महसूस करेगा, और लेकिन वो रेस्ट के दौरान कंफर्टेबल होगा। देन क्लास थर्ड में क्या होता है, मार्कली कॉम्प्रोमाइज। इसमें क्या होता है कि जो मार्कली फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेड हो जाती है, इसमें पेशेंट रेस्ट के दौरान तो कंफर्टेबल होगा लेकिन जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ करेगा, कोई भी एक्टिविटी करेगा, उसकी वजह से उसको फैटिक या पाल्पिटेशन या फिर डिस्निया की कंडीशन हो जाएगी। देन क्लास फोर्थ है, क्लास फोर्थ में क्या होता है कि सीवियर कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है क्लास फोर्थ। इसमें क्या होता है कि पेशेंट किसी भी एक्टिविटी करने के लिए इनेबल होगा, मतलब उसमें इनेबिलिटी टू परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी। इसमें सिम्टम्स जो हम दिखेंगे पेशेंट के वो रेस्ट के दौरान भी दिखेंगे और ड्यूरिंग रेस्ट भी उसको प्रॉब्लम होगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन हम इसमें मैटरनल और फीटस दोनों में देखने को मिलेगी। इसमें फर्स्ट मैटरनल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो ये कॉम्प्लिकेशन किस पे डिपेंड करती है, डिजीज़ की इटियोलॉजी पे या फिर टाइप्स पे या फंक्शनल पे या फिर रिस्क फैक्टर क्या क्या प्रेजेंट है उन पे डिपेंड करती है कॉम्प्लिकेशन। तो मैटरनल की फर्स्ट क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, कार्डियक फेलियर हो सकता है मदर में और बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस भी देखने को मिल सकता है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम लेयर या फिर पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल सकता है या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन हो सकती है पेशेंट को या फिर मैटरनल डेथ भी हो सकती है। एंड सेकंड देखते हैं फीटल कॉम्प्लिकेशन। तो फीटल कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि अगर मदर कार्डियक डिजीज से कॉम्प्रोमाइज है तो फीटल में भी चांस होते हैं कि वो उसको भी कार्डियक डिजीज हो, और उसमें जिससे क्या होगा उसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज देखने को मिलेगी और प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है फिर बच्चे की या फिर आईयूजी या इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है या अबॉर्शन देखने को मिल सकता है या फिर फीटल डेथ। तो ये सब कारण क्यों होंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है। देन देखते हैं कि
डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे हम इसके लिए? तो पहले, सबसे पहले हम सिम्टम्स देखते हैं पेशेंट में। सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे पेशेंट में? डिजनिया दिखाई देगा और ऑर्थोपनिया। तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में ब्रीथलेसनेस होगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, लेकिन वो स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में इजीली ब्रीथ ले सकता है। या फिर नॉक्टर्नल कफ उसमें दिखाई देगा, या हेमोप्टाइसिस होगा, या फिर चेस्ट पेन। अब देखते हैं साइन क्या क्या देखने को मिलेंगे इसमें। साइन हम क्या देखेंगे? तो साइनोसिस दिखेगा पेशेंट में, क्लबिंग ऑफ फिंगर दिखेंगी, या फिर परसिस्टेंट नेक वेन डिस्टेंशन, मतलब जुगलार वेन डिस्टेंशन दिखेगी। तो जुगलार वेन डिस्टेंशन क्यों दिखेगी? क्योंकि इसमें हार्ट में वर्कलोड बढ़ा हुआ है, उसमें ब्लड पहले से ही इतना ज़्यादा उसमें है कि वो पंप नहीं कर पा रहा है उसको। तो वो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से जो राइट एट्रियम में ब्लड आके इकट्ठा हो रहा है, वो धीरे धीरे इकट्ठा होके वो जो जुगलार वेन है उस तक वो इकट्ठा होता जाएगा ब्लड, जिसकी वजह से वो वेन एक्सटेंड डिस्टेंडेड हो जाएगी। तो वो उसमें वो दिखेगी डिस्टेंड वेन भी, क्योंकि सुपीरियर वेना कावा में प्रेशर इंक्रीज हो रखा है इसलिए। और क्या दिखेंगे? एबनॉर्मल हार्ट साउंड भी सुनेंगे, जिसमें कि सिस्टोलिक मर्मर या फिर पैन सिस्टोलिक मर्मर की साउंड या डायस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा, या कार्डियोमेगेली दिखाई देगी, या परसिस्टेंट अरिथमियाज होगा पेशेंट को, ठीक है। और देन इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे हम पेशेंट की? इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करेंगे। तो चेस्ट एक्सरे में सबसे पहले तो ये प्रिकॉशन लेंगे कि जो लेड एप्रेन है उसका यूज़ किया जाए मदर के एब्डोमेन पे, क्योंकि जो एक्सरेज है वो रेडिएशन के कारण फीटस पे कुछ इफेक्ट ना डाले, साइड इफेक्ट ना डाले, इसके लिए लेड एप्रेन का यूज़ करेंगे। देन एक्सरे में क्या क्या दिखाई देगा? इनइक्वल कार्डियोमेगेली दिखाई देगी, हार्ट की इनइक्वल साइज हो सकती है, या फिर एनलार्जमेंट ऑफ पल्मोनरी वेन। देन ईसीजी करेंगे, तो ईसीजी में क्या देखने को मिल सकता है? कार्डियल अरिथमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, या फिर हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन, ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इकोकार्डियोग्राम में क्या देखने को मिल सकता है? इकोकार्डियोग्राम जो होता है वो स्टैंडर्ड एक इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसके अंदर जो हार्ट के जो लीजन्स हैं वो दिख सकते हैं हमें। देन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का एम क्या होगा कि कार्डियक डिजीज इन प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट का मेन है कि किसी भी कॉम्प्लिकेशन को होने से प्रिवेंट करना, जैसे कि मदर और फीटस में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है तो उससे प्रिवेंशन करना, और अर्ली डायग्नोसिस करना सिचुएशन का, और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना और टाइमली उसको ट्रीटमेंट देना, ठीक है। तो उसके बाद में क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? थेरापेटिक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या होता है कि थेरापेटिकली प्रेगनेंसी को कब टर्मिनेट करना चाहिए, मतलब किन किन कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो वो कंडीशन है प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, या तो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशन हो पेशेंट में, या फिर आइसनमंगर सिंड्रोम हो। तो आइसनमंगर सिंड्रोम क्या होता है? ये एबनॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कंडीशन होती है, जिसमें पहले क्या होता है कि वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम में डिफेक्ट होता है, होल होता है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ आएगा। तो राइट वेंट्रिकल की तरफ आएगा तो वहाँ पे ब्लड का कंजेशन होगा। उसके बाद में जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें भी जो सर्कुलेशन का प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उस वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज है, वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में भी प्रेशर इंक्रीज है और राइट वेंट्रिकल में भी प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो वापस ब्लड राइट टू लेफ्ट में जाएगा वेंट्रिकल्स में। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाएंगे और देन वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी
सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, तो ये कंडीशन होगी एबनॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन। देन अगली कौन सी कंडीशन है जिसकी कंडीशन में टर्मिनेशन किया जाता है प्रेगनेंसी का, वो है पल्मोनरी वेजो एक्लूसिव डिसऑर्डर, ठीक है। और कौन से, पेरस वूमन विद 3 to 4 grade, जो हमने 4 grade पढ़े हैं उनमें, उनके साथ साथ में अगर वो प्रेग्नेंट लेडी है वो पहले से पेरस भी हो, और देन जो ग्रेड 1st and 2nd है उनके साथ साथ में उसके पहले की हिस्ट्री भी हो फेलियर की, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आए हम जनरल, अब उसके बाद में हम जनरल मेजर्स कौन कौन से कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मैनेजमेंट में सबसे पहले ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिसमें कार्डियक डिजीज की प्रॉब्लम है, तो उसको पहले ऐसे टर्शरी केयर लेवल हॉस्पिटल में ही उसको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए टर्शरी केयर लेवल हॉस्पिटल में, और उसके साथ साथ वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो, एंड वहाँ पे जो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन या फिर कार्डियोलॉजिस्ट या फिर एनेस्थोलॉजिस्ट ऑलवेज अवेलेबल होने चाहिए वहाँ पे। और उसके बाद में जो रिस्क हो सकते हैं उसको उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, जैसे कि हार्ट फेलियर या फिर सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस या थ्रम्बो एम्बोलियम की कंडीशन अगर हो सकती है, तो उनको ऐसे रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए पहले, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप उसका होना चाहिए। उसके बाद में उसको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से उसको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर उस पेशेंट में वल्वुलर हार्ट सर्जरी हो रखी है, वल्व रिप्लेसमेंट हो रखे हैं उसके हार्ट के, तो उसके लिए उसको मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना चाहिए, और उसको प्रॉपर डाइट एडवाइस करनी चाहिए, या फिर उसको जो स्ट्रेनियस कंडीशन है या फिर ज़्यादा हैवी वर्कलोड है उससे उसको अवॉइड करने के लिए बोलना चाहिए, और कॉफ़ी या फिर कैफीन से रिलेटेड कॉफ़ी है उसको लेने से अवॉइड करना चाहिए, या फिर एनीमिया से भी उसको पेशेंट को बचाना चाहिए। तो एनीमिया की कंडीशन है तो उसके लिए उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो अब देखते हैं एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर में क्या क्या करेंगे हम उस पेशेंट का, जब प्रेगनेंसी में ये डायग्नोस हो जाए कि उसको कार्डियक डिजीज भी है, तो उसके साथ में उसको प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। तो काउंसलिंग किसके लिए करेंगे, हाई रिस्क के लिए उसको काउंसलिंग करेंगे कि हाई रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, और उनको टाइमली डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी है। और उसके बाद में उसको ANC के लिए टाइम टू टाइम उसको बुलाएंगे, तो उसको 30 week तक तो every 2 week उसको बुलाएंगे, और 30 week के बाद में every 1 week उसको एंटीनेटल केयर के लिए बुलाएंगे, और उसको आयरन एंड फोलिक एसिड उसको देंगे। तो आयरन और फोलिक एसिड किस लिए देंगे, अगर उसमें उस प्रेग्नेंट वूमेन में अगर एनीमिया नहीं है तो उसको सप्लीमेंट आयरन देंगे, और अगर उसका HbA 11 gram से ज़्यादा है तो सप्लीमेंट आयरन उसको देंगे 100 mg आयरन और 0.5 to 1 mg फोलिक एसिड पर डे, और अगर उसमें एनीमिया की कंडीशन है तो उसमें थेरेप्यूटिक डोज देंगे, तो उसमें आयरन की जो डोज है वो 200 mg देंगे, और फोलिक एसिड की डोज है वो 5 mg पर डे उसको देंगे। उसके बाद में उसका हर विजिट, जितने भी विजिट में वो आएगी तो उससे प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। अगर उसकी तो मतलब वो ऐसी हिस्ट्री देगी जिसमें उसको ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसा कुछ वो बताएं। तो अगर मतलब उसकी डिस्निया की कंडीशन इंक्रीज हो रही है, या फिर ऑर्थोपनिया हो रहा है, ठीक है, या फिर फाइन ट्रिपिटेशन सुनने को मिल रहा है उसके बेस ऑफ लंग्स पर, रिपीटेशन मतलब क्रैकिंग साउंड सुनना उसके लंग्स की, तो ये सब इंडिकेट करते हैं हार्ट फेलियर को। तो इन सब साइंस को हमें देखना है ड्यूरिंग एंटीनेटल। और उसके बाद में एक्सेसिव जो वर्क है या फिर एक्सेसिव स्ट्रेस को
अवॉइड करना है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को भी अवॉइड करना है, और ऐसे किसी भी उसको इंडिविजुअल से दूर रहने के लिए बोलेंगे जिसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, और टू अवॉइड एल्कोहल एंड स्मोकिंग। एंड उसके बाद में उसको हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए साल्ट रेस्ट्रिक्शन डाइट उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको बोलेंगे कि वो साल्ट रेस्ट्रिक्शन डाइट ही ले। और उसके बाद में हर उसके एंटीनेटल चेकअप पे उसकी टेम्परेचर, उसके TPR और BP लेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर उसका चेक करेंगे, और वेट उसका लेंगे, और उसके जो लंग्स और हार्ट की साउंड है उनको एस्कल्टेट करेंगे, और जुगुलर वेन प्रेशर को भी चेक करेंगे। और उसके बाद में अगर उसको कोई अदर इन्फेक्शन है, जैसे UTI है या फिर डेंटल है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उनके लिए उसको ट्रीटमेंट देंगे। और उसके साथ साथ में उसको पेनिसिलिन भी देंगे फॉर प्रोफाइलेक्सिस, तो अवॉइड बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। उसके बाद में उसकी फीटल मॉनिटरिंग भी कंटिन्यूस के साथ साथ में फीटल मॉनिटरिंग भी हम करेंगे, जैसे नॉन स्ट्रेस टेस्ट के द्वारा हम फीटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसके बाद में इन लेबर के दौरान, ड्यूरिंग लेबर हम उसकी क्या क्या केयर करेंगे, जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम क्या करेंगे उसके लिए, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो डिलीवरी है उसके लिए हमें जो सेफ मेथड है उसी का यूज लेना है, मतलब जो वेजाइनल डिलीवरी को ही सेफ मेथड माना गया है इसी वुमेन में, तो वेजाइनल डिलीवरी ही प्रिफर करेंगे कार्डिक डिजीज वाली पेशेंट में। और वेजाइनल डिलीवरी किस किस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है, जैसे कि aortic aneurysm में या फिर coarctation of aorta में, इन जैसे इन कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। उसके बाद में उसको पेन किलर देंगे, ठीक है, उसके पेन में रिलीफ के लिए उसको एनाल्जेसिक देंगे, या फिर एपिडुरल एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं उसको ड्यूरिंग लेबर, तो टेकिकार्डिया को डिक्रीज करने के लिए। और जो एपिडुरल एनेस्थीसिया है वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कुछ कंडीशन में, जैसे आइसनमंगर सिंड्रोम में या फिर सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस की कंडीशन में भी एपिड्यूरल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और उसके बाद में उसको एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस उसकी स्टार्ट करेंगे, और उसको पोजिशनिंग देंगे, तो उसको पोजिशनिंग कौन सी देंगे, सेमी रिकमेंड पोजिशन देंगे विद लेटरल टिल्ट, मतलब उसको सेमी रिकमेंड, जैसे करवट लीवी और वन हैंड उसके हेड के नीचे लगाए हुआ ऐसी पोजीशन उसको देंगे पेशेंट की, जैसे कि उसके जो आयोटा पे जो कंप्रेशन है उसको अवॉइड किया जा सके, तो जिससे कि फीटस साइड में आ जाएगा और आयोटा पे से कंप्रेशन थोड़ा रिलीफ होगा, और अगर रिक्वायर है तो ऑक्सीजन भी उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद में जो कुछ ऐसी कार्डियक फेलियर की भी कुछ ऐसे साइन देखने को मिल सकते हैं जिनमें कि इंटेंसिव मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो ऐसे कौन कौन से साइन होते हैं, जैसे कि पल्स रेट का मोर देन 100 बीट होना, या फिर रेस्पिरेटरी रेट का 24 बीट पर मिनट से ज़्यादा का होना, या फिर डिस्निया की कंडीशन, या फिर लेग में एडिमा होना, या फिर जुगुलर वेन प्रेशर का इंक्रीज होना, या फिर साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलता, तो ये सब साइन होते हैं कार्डियक फेलियर के, तो इन सब पे भी हमको सुपरविजन रखना है। उसके बाद में देखते हैं सेकेंड स्टेज, तो सेकेंड स्टेज में हम क्या मैनेजमेंट करेंगे उसका, तो उसमें क्या करेंगे, वेजाइनल डिलीवरी कट शॉर्ट मेथड। तो इसमें क्या होता है, जो वेजाइनल डिलीवरी है उसको कट शॉर्ट मेथड से जल्दी वेजाइनल डिलीवरी करवाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लंबा टाइम वेट नहीं करेंगे वेजाइनल डिलीवरी के लिए, तो इसके लिए अगर 30 मिनट के अंदर वेजाइनल डिलीवरी हो जाती है तो ठीक है, अगर 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग रहा है तो उसमें वैक्यूम या फिर फोर्सेप डिलीवरी का मेथड का यूज़ करेंगे, जिससे कि मदर में जो मैटरनल इफर्ट जो लग रहा है
उसमें थोड़ा रिलीफ मिल सके उसको। उसके बाद में थर्ड स्टेज, तो थर्ड स्टेज में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट की क्लोज डिलीवरी के बाद में पेशेंट की क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है मदर में, या फिर मतलब कोई भी उसके वाइटल साइंस में तो कुछ इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उसके लिए उसको क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और थर्ड स्टेज में के दौरान क्या है, थोड़ा ब्लड लॉस हो सकता है जो कि बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए, तो और ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न दे सकते हैं पेशेंट को, तो ऑक्सीटोसिन आईएम ही देते हैं इस कंडीशन में ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और उसके बाद में डायूरेटिक्स अगर रिक्वायर है तो डायूरेटिक्स भी दिए जाते हैं, और इर्गोमेट्रिन इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इर्गोमेट्रिन इसमें नहीं देते हैं क्योंकि ये बीपी को बढ़ाती है और पाल्पिटेशन को भी बढ़ाती है, शॉक की कंडीशन हो सकती है इर्गोमेट्रिन से, तो इर्गोमेट्रिन नहीं देते हैं इसमें। और मीजोप्रोस्टोल भी दे सकते हैं इसमें पर रेक्टल, क्योंकि ये थोड़ा हेमरेज को कंट्रोल करेगी। और उसके बाद में देखते हैं ड्यूरिंग परप्यूरियम पीरियड में क्या क्या उसको केयर देंगे। परप्यूरियम पीरियड में होगा अवॉइड कॉम्प्लिकेशन, किसी भी कॉम्प्लिकेशन से उसको अवॉइड करेंगे, जैसे कि पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है या फिर एनीमिया या फिर इन्फेक्शन या फिर थ्रोम्बोएम्बोलिक की कंडीशन है, तो उसके लिए तो ये अगर कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो इन सब कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करेंगे। अगर ये कॉम्प्लिकेशन दिख रही है तो इनको टाइमली इनका मैनेजमेंट करेंगे। और उसके बाद में क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ TPR एंड BP या फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन, और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एनकरेज करेंगे पेशेंट को, ठीक है। अगर वो अभी अनेबल है, मतलब वो भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकती है, तो उसको थोड़ी देर बाद में मोटिवेट करेंगे। और एंटीकॉगुलेंट थेरेपी भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। और उसके बाद में उसको कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर वो अभी स्टेरलाइजेशन चाहती है तो अभी प्रोसीजर के या डिलीवरी के तुरंत बाद स्टेरलाइजेशन को अवॉइड करेंगे, इसकी जगह हम वैसेक्टेमी को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा अदर जो डिवाइसेस हैं जैसे बैरियर मेथड है तो वो एडवाइजेबल है, और या फिर प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स आती हैं या फिर DMP इंजेक्शन होता है तो वो हम पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। OCPs होती है, OCP को भी अवॉइड करते हैं क्योंकि OCP से थ्रोम्बोएम्बोलिक की कंडीशन देखने को मिलती है। और उसके बाद में IUCD भी हम ऐसे पेशेंट में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि IUCD से भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है। थैंक यू।